हेलो दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल आर्यन 24/7 में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम फ्री होस्टिंग किस तरह से खरीद सकते हैं और हम फ्री होस्टिंग में अपना परचेज डोमेन, जैसे गोडीडी से आपने अगर परचेज कर रखा है डोमेन को, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे एंड उसमें हम वर्डप्रेस भी कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड फ्री होस्टिंग में हम कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हम इसमें आपको सारी जानकारी बताएंगे कि आप फ्री होस्टिंग कैसे खरीद सकते हैं, आप अपने डोमेन को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एरर आ रहा है तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको मिल जाए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना क्योंकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जानी चाहिए जिससे कि आप सबसे पहले वीडियो को देख सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर ऑन कर लेते हैं। तो हमने इसमें अपना गूगल टाइप कर लेना और गूगल का होम पेज अपना कर लेना और इसमें आपको टाइप करना है अल्टीमेट फ्री होस्ट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा है तो इस पर अल्टीमेट फ्री होस्ट डॉट इन पर आपको चला जाना है। जैसे ही आप जाएंगे इनकी साइट पे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ आपका आपको साइन अप करने को देखने को मिलता है। अल्टीमेट फ्री होस्ट इज बेस्ट फ्री होस्टिंग साइट इन इंडिया। ये साइन अप आप यहाँ से कर सकते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रीमियम होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है और आपको फ्री होस्टिंग है। तो आपको फ्री होस्टिंग में देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अल्टीमेट GB डिस्क मिल जाती है, यहाँ पे अल्टीमेट GB बहुत सारा सी पैनल, 3x पैनल मिलता है, यहाँ पे 5 ईमेल अकाउंट मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक कर देना और साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ जानकारी फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे आप कुछ भी अपना यानी अपना नाम या कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे चूज सब डोमेन आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल एंड पासवर्ड डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपना वर्डप्रेस कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए बोल दीजिएगा और यहाँ पे कैटेगरी पर्सनल यहाँ पे और आपका सिक्योरिटी कैप्चा डाल दीजिएगा। और जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ई मिल जाएगा, तो उस ईमेल को आप जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो हम अपने लॉगिन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे लॉगिन पे जाना है यानी यहाँ पे कंट्रोल पैनल लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कंट्रोल पैनल लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी यानी अपना आईडी डाल देना है एंड पासवर्ड डाल देना है। तो हम जल्दी से अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके का सी पैनल खुल के आ जाता है। तो अब हमको क्या करना है, अपना गोडीडी अकाउंट को इसमें कनेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले अपने गोडीडी अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने गोडीडी अकाउंट को लॉगिन करते हैं। यहाँ पे साइन इन पे हम क्लिक करेंगे एंड साइन इन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हैं। तो हम जैसे ही अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपना डोमेन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो आप डोमेन पे यहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो सीधा अपने यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे माय प्रोडक्ट पे आप चले जाइए। तो माय प्रोडक्ट पे आपको इस तरह का अपना डोमेन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको सिंपली आपको DNS पे क्लिक करना है। जैसे DNS पे क्लिक करेंगे तो आपको नेम सर्वर यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको फ्री होस्ट में नेम सर्वर किस तरह से कनेक्ट करना है, आपको काफ़ी समस्या आती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे नेम सर्वर दिख रहे हैं, अभी domaincontrol.com इन्हीं का है, गोडेडी वालों का। तो हम यहाँ सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ऐड डोमेन का ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐड ऑन डोमेन लिखा आ रहा है तो यहाँ क्लिक करेंगे और आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर आप अभी इसमें साइट का नाम डालेंगे और ऐड डोमेन करेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके का एक एरर यानी एडिटिंग डोमेन करके आ जाता है। तो हमको अब क्या करना है, इसमें बोला जा रहा है कि आपको नेम सर्वर आपको पहले ऐड करने हैं। जैसे हम नेम सर्वर ऐड कर लेते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं तो आपको यानी आपका यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो डोमेन यानी नेम सर्वर आपको दिख रहे होंगे। तो आपको एक यहाँ पे कनेक्ट करना है आपके गोडीडी अकाउंट में। तो हम इसको ये पहले वाले को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं
और चेंज करने के थोड़े से नीचे जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, इंटर माई ओवन नेम सर्वर, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक। फर्स्ट नेम सर्वर में हम यहाँ पे कर देंगे इस फर्स्ट वाले को कॉपी पेस्ट, इस सेकंड वाले को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट। और दोस्तों अगर आप और आपके यानी नेम सर्वर आप और भी जानना जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। एंड आपको अगर यहाँ पे आईपी करके आ रहा है, यानी आईपी एड्रेस डालने को आ रहा है दोस्तों, तो आप उसको इस तरीके से, यहाँ डिलीट का बटन आपको दिख रहा है तो उसको इस तरीके से डिलीट कर देना है। जैसे कि अभी मैं दो ऐसे आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे आईपी एड्रेस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस डालने के लिए बोला जा रहा होगा, तो अब ये यहाँ पे हमारा कोई आईपी बोला नहीं जा रहा है कि आप यहाँ पे आईपी डालिए, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो आईपी है उसको इस तरह से डिलीट मार देंगे। और सॉरी, हमारा डोमेन भी हमारा डिलीट यानी वो नेम सर्वर भी डिलीट हो गया है सेकंड वाला, तो हम सेकंड वाले को कर लेते हैं क्लिक और कॉपी एंड यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। तो हमारे इस तरीके का हमको ओनली नेम सर्वर हमें पेस्ट करने हैं, कॉपी पेस्ट हमको जो नेम सर्वर यहाँ पे कोई आईपी हमें दी नहीं गई है तो हमको आईपी नहीं डालना है। और आपको यहाँ पे आईपी के ऑप्शन आ रहे होंगे तो आप उन आईपी को डिलीट मार दीजिएगा, यहाँ पे डिलीट बटन आ रहा है और इसको सिंपली आप सेव कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लेता है, तो ये रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको एक ईमेल जाएगा हमारे यहाँ से और उसको कंफर्म करना होगा, तो हम अभी फ़िलहाल के लिए कंफर्म नहीं करेंगे, इसको सिंपली एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि हमारा कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा नेम सर्वर अब कनेक्ट हो गया है, तो हम यहाँ से अब अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम सिंपली जाएंगे और हम यहाँ पे अपना डोमेन नाम डाल दिया, और यहाँ पे हम सिंपली एक बार और रिफ्रेश कर देंगे अपने गोडेडी अकाउंट को, जिससे कि यहाँ पे जल्दी से कनेक्ट हो जाए। अब हमारा रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको क्लिक, यहाँ पे ऐड डोमेन पे हम कर देंगे जैसे सिंपली क्लिक, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव नाउ एडिट अ न्यू डोमेन टू योर कंट्रोल पैनल। तो हम यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली हमारा यानी कनेक्ट हो गया हमारा डोमेन, और इसको हम गो बैक जाएंगे। और जैसे ही हम अपने होम पेज पे सी पैनल को होम पेज पे चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपके पेड सर्विस में ये सब ऑप्शन मिलते हैं। तो अब अगर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको कहाँ क्लिक करना होगा, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन नीचे सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको एप्स इंस्टॉलर सॉफ्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे खुल के आ जाता है हमारा वर्डप्रेस, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जिसमें आप इंस्टॉल जूमला में आप बनाना चाहें, PHP में बनाना चाहें, आप इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे इसको इंस्टॉल या डेमो या ओवरव्यू। तो जैसे अगर डेमो पे हम क्लिक करेंगे तो हमको डेमो दिखाई देगा ये, और अगर हम इसको इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो अब सिंपली यहाँ पे हमें कुछ डिटेल फिल करनी है और हमको यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमें अभी इंस्टॉल नहीं करना है, आपको हमने बता दिया है कि किस तरह से हम अपने डोमेन को सक्सेसफुली कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमें कोई एरर नहीं आएगा जैसे ही हम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, इस तरीके का जैसे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके का इंटरफेस आने लगेगा। तो अभी हम अभी इसको इंस्टॉल नहीं करते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी दूसरे जगह कनेक्ट है, तो उसमें हमारा डाटा सेट है उस हिसाब से। तो हमें फिलहाल इसको आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आप कनेक्ट कर लीजिए। और आपको जहाँ पे आईपी का ऑप्शन अगर यहाँ पे गुड दिख रहा है नेम सर्वर में आईपी का ऑप्शन, तो आप आईपी ऑप्शन को डिलीट कर दीजिए एंड नेम सर्वर आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ईमेल सर्विस, बहुत सारे ऑप्शन जैसे आपको पेड सर्विस में मिलती है, आपको इस फ्री प्लान में भी आपको वही सब सुविधाएं मिलती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप एक शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो लाएं, आपके लिए यूज़फुल रहे, आपके हेल्प कर सकें। तो चलिए दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, जय हिंद।